मॉर्निंग। तो आज है 1 दिसंबर और हम लोग जा रहे हैं, हम कहीं जाएंगे क्या आज? वापस रिटर्न। हाँ, आज रिटर्न लेंगे हम यहाँ से। यहाँ पे पता है मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। और देखो पता है मॉर्निंग टाइम में ऐसी पता है काफ़ी सारी गर्ल्स निकलती हैं, जैसे कि ये देखो सब लोग जा रहे हैं ना, फ्रेंड्स वगैरह लोग कोचिंग जाते हैं। देखो ऐसे मतलब जैसे कि मैं नहीं कर रही, जैसे कि सब लोग जाते हैं ना ऐसे, इन लोगों का स्कूल पड़ता है इधर साइड, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ये सब, सरकार हाँ ये इंटर जनता इंटर कॉलेज के बच्चे हैं सब ये। तो देखो ऐसे पता है काफ़ी सारे निकलते हैं, तो बहुत कम है, बहुत सारी गर्ल्स निकलती हैं ऐसे। सरकारी कॉलेज है, मेरी मम्मी पढ़े, तुम किसमें पढ़े हो? हम लखनऊ वाले इंटर कॉलेज में पढ़े। हाँ ये लखनऊ वाले इंटर कॉलेज में पढ़े हुए हैं। ओजू हमारे ओजू यहाँ रेडी हो गए। ओजू कहाँ से आ रहे हो आप, कहाँ से हो गए? ये कपड़े नहीं पहने इसने। हाँ ये कपड़े रखे, वो नहीं पहने, नखरे इनके भी बहुत हैं। पापा ने रेडी किया है इनको, चप्पल पहन लेते कितना बोला सा, जितना दिख रहा उतना है नहीं है। अभी हो गए रेडी, अब जाना कहाँ है ये तो बताओ, जाना कहाँ है? क्या अब क्या उसकी क्रीम तो तुम जानते हो पीना, वो थोड़ी नहीं जानता बेटा, तेरा तो बहुत कमोताल है। वही गोदी में बैठा आराम से, आज बड़े प्यार से बैठा है, अजीब बात है। अजीब बात है, अजीब बात है जी। मेरी मम्मी चैन नहीं लगने दे रही है, ना छोटे वाले बेबी को और ना बड़े वाले बेबी को। पता दोनों का सेम पोज है, मतलब बड़े वाले का भी पता ऐसे ही पोज है, आपको दिखाऊंगी डुएट करके। दोनों यहाँ पर ना हम लोग उधर से बातें कर रहे थे कि हमारे साथ फिरोजाबाद चलोगे या फिर डी चलोगे, मतलब यहाँ पे सब लोग मैम मासी वगैरह सब बैठे थे यहाँ पे, तो मतलब बड़े आराम से बैठा था उस दिन तो हमारे साथ मस्ती कर रहा था थोड़ी थोड़ी सी। यहाँ ना हमारा ओजस, हमारा ओजस की लग गई है, बहुत तेज लग गई है। मैं देखो दोनों हंस रही हैं, दोनों बुआ हंस रही हैं। उसका इलाज चल रहा है। दोनों बुआ देखो उठ के फिर से बैठ गई, दोनों पता सो चुकी थी, लेकिन ये भाई साहब दिन में सो चुके हैं तो दोनों उठ के बैठ गए हैं। रात में 11 बज रहे हैं अभी। अच्छा पूछू बिट्टू क्या हुआ तुम्हें? ओजू कहाँ लग गई? दोनों बुआ कैसे मजाक बना रही है उसका। ये ना इवनिंग का शूट है, पता काफी सारी वर्ड्स है, देखो कि पूरा ग्रुप था बर्ड्स का, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे पता है ये सीन 2 बार हुआ था मेरे साथ, फर्स्ट तो ये हो गया, ये इवनिंग टाइम में नेक्स्ट डे का, मतलब बहुत अच्छा था ये गेम, बहुत ज़्यादा, मतलब बाय बाय कर रहा था उन सबको। और एक ये था कि मैंने बालकनी में शूट किया था ऑन द स्पॉट। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, एंड प्लस मैं अब घर पे आ चुकी हूँ, मींस मैं फिरोजाबाद आ गई हूँ फ्रेंड्स, बट सीरियसली मुझे ओजू उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ मतलब वहाँ पे उसकी मस्ती आप लोग देख रहे हो, कितना मस्ती करता है, बट अभी मूल पड़े हैं ना, तो उस वजह से हम 28 को फिर से जाएंगे दिसंबर को ही, तो आपको फिर से उसका व्लॉग जरूर शेयर करूंगी, एंड आई होप कि आपको ओजू का व्लॉग बहुत प्यारा लगा होगा। मस्ती इतनी करते हैं, मतलब बहुत शैतानी करता है जो मैंने उससे बोला। और लेकिन एक बात और कि भाई अभी वहीं रुक गया है बक्की ऊपर, मैं उस मम्मी से बार बार कहता हूँ वो जिसकी बुआ जी प्लीज़ आर्यन भैया को मत ले जाना, बिकॉज उससे बहुत क्लोज था, कुछ भी हो चॉकलेट लेके जाना हो कुछ भी, तो भाई लेने जाता उसके साथ आर्यन भैया, तो उस वजह से वो बहुत क्लोज था आर्यन भैया के, तो आप कभी भी कुछ भी प्लीज़ बुआ जी भैया को मत ले जाओ मुझसे तो ओके ओके रहता है उसका, मेरे को मारता बहुत है ये, मतलब भाई बहन है मस्ती चलती रहती है, बट बहुत अच्छा था, बट बहुत याद आती है ओजस की, सबसे ज़्यादा याद आती है छुट्टे वाले ओजस की। चलो अभी मिलेंगे उससे, तो फिलहाल तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब आएगा मेरे घर का ब्लॉग। ओके सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।